मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर सिक्स के पाठ तो पढ़ा ही दिए हैं, अब प्रश्न उत्तर कराते हैं। अभ्यास में ओरल क्वेश्चन पहले है, मौखिक उच्चारयत स्मरत च, पढ़िए और याद करिए। ये तो लिखा हुआ है, इसको आपको सिर्फ याद करना है। पठानी पठावा पठामा, गच्छानी गच्छावा गच्छामा, रचयानी रचयावा रचयावा, बदानी बदावा बदामा, और इसमें भ्रमानी भ्रमावा भ्रमामा, मेल्यानी मेल्यावा मेल्यामा, करवानी करवावा करमामा। इसमें है आगे, देखिए आगे है रिटन क्वेश्चन। रिटन में है कि परस्परम मेलेत, आपस में मिलान करना है। पहला के क के चौथा और ख के छठा, ग के पहला, घ के सातवां, अंग के आठवां, च के नौवां, छ के तीसरा, अज के पाँचवा, अझ के दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। मंजूषा उचित क्रियापद को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। इसमें कुछ बॉक्स में दिए हुए हैं आंसर, उसको सही जगह पर लगाना है। इसमें है क में रचयानी, माने बनाना होता है, रचना करना। अहम जनेभ्या आश्रयानी रचयानी। ख के अभ्रमावा, आवाम उद्याने अभ्रमावा। ग अहम प्रदर्शनियाम चित्रानी प्रेष्यानी, प्रेष्यानी माने भेजना। घ वयम तीव्रम धावामा, वयम तीव्रम धावामा। और अंगार में हो जाएगा तम लेखान लिख, हो गया। अब नेक्स्ट पेज पलटिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि खाली जगह दिया हुआ है, इसको चित्र देख करके भरना है। तो चित्र को देख करके लोट लकार के रूपों में, रूप के द्वारा भरना है। तब व्यायाम अत्र क्रीडामा, क्रीड धातु दिया हुआ है, इससे रूप लगा करके बनाना है। ख में हो जाएगा अहम छात्रान पठानी। ग में हो जाएगा खादावा, आवाम भोजनम खादावा। अब घ में हो जाएगा धावामा। ठीक है, क्योंकि वयम है, बहुवचन है, धाप धातु है, धावामा। व्याकरण बोध में है, व्याकरण बोध के पहला क में हो जाएगा तिष्ठानी, ख में हो जाएगा आगच्छामा, ग में हो जाएगा बदावा, घ में हो जाएगा भ्रमंतु, अंग में हो जाएगा पीबतु। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अशुद्धि संशोधन कीजिए। तो इसमें जैसे तैसे लिखा हुआ है, सही लिखना है। आंसर लिख भी दिए हूँ और बोल रही हूँ। इसमें है क के बनाया हुआ है, ख में है ता लेखम लिखंतु, और त्वम भूमिम है, बिंदी है, त्वम भूमिम खन, कृषका क्षेत्रम करसंतु, व्यायाम नृत्यम करवामा। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। तीसरा के का बनाया हुआ है, ते विद्यालयम गच्छन्तु। अब ख में नराह उद्याने भ्रमन्तु, ग में है वयम कविता पाठम करवामा, घ में है युवम पुष्पाणि अर्पत, और अंग में है ता आपन्नम गच्छन्तु। आपन्नम माने दुकान होता है, तापन्नम गच्छन्तु बहुवचन। इसमें है ता, साते ता हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शुद्ध अशुद्ध को छांटना है, खाली शुद्ध अशुद्ध लिखना है, गलत है या सही है। क के बनाया हुआ है शुद्धम, ख के अशुद्धम, ग के शुद्धम, और घ के अशुद्धम, और अंग के अशुद्धम। ठीक है। अब इसमें क्रियाकलाप एक्टिविटी आपको चार्ट पेपर पर बनाना है और सीखना है कि कैसे
एक वचन द्विवचन बहुवचन में जिस तरह चार्ट पेपर पर पहले भी बनवाते थे ना, उस तरह चार्ट पेपर पर बनाते रहिएगा ताकि आप भूलिए नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं सब सही सही याद रहे, बरकरार रहे। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे।